हेलो, वेलकम टू शशि गार्डन। तो ये देखिए सीड जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो मैंने मंगवाए थे, उन्हीं सीड को आज मैं जर्मिनेट करने वाली हूँ। तो मैं किस तरह की इसमें सॉइल मीडिया वगैरह में क्या इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने छोटे छोटे मग लिए हैं, जो चाय के कप होते हैं वही कागज़ वाले, इन्हीं में मैंने होल कर दिया है और इन्हीं में मैं अपने सीड लगाने वाली हूँ। लास्ट में मैं इसके आपको अपडेट भी दूंगी कि मेरे सीड किस तरीके से जर्मिनेट हुए हैं और किस तरीके का जर्मिनेट रेट मिला है इन सीड से मुझे। तो ये वही सीड है जो मैंने गोविंद भाई से मंगवाए थे। और ये देखिए कोकोपीट, ये कोकोपीट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो इस कोकोपीट को मैंने धोकर पानी में गला कर साफ़ करके सुखा लिया था। सुखाने के बाद में थोड़ा मॉइस्चर इसमें बना हुआ था और मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने इसे में किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं मिलाया, सिर्फ कोकोपीट में ही मैं ये सीड जर्मिनेट कर रही हूँ। तो ये है मेरे सनफ्लावर के सीड जो मैंने इस पर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिए हैं और इनको फिर ऊपर से कोकोपीट डाल के मैं दबा दूँगी। थोड़ा सा बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको दबाया है सिर्फ कोकोपीट में ही। और इसमें फिर मैं इसको शेडी एरिया में प्लेस करके इसमें पानी दे दूंगी। तो ये देखिए मैंने सनफ्लावर के सीड लगाए हैं और इसके बाद भी मैंने जो मिनीचर सनफ्लावर थे वो भी मैंने इसी में लगाए हैं। तो जितने भी मैंने सीड मंगाए थे उसमें से मैंने कुछ अभी लगाए हैं और कुछ बाद में लगाऊंगी। तो मैं इसका जर्मिनेट रेट देखने के लिए मैंने इसमें भी कम सीड का ही इस्तेमाल किया है। और ये जो मेरे जिनिया के सीड थे ये मैंने सारे इसमें डाल दिए थे क्योंकि सनफ्लावर के सीड में बाद में भी ग्रो कर सकती, पर जिनिया अभी सीज़न टाइम है जिनिया का, तो मुझे अभी सीड ये लगाने पड़ेंगे, फिर बाद में किसी काम के नहीं रहेंगे ये। तो जिनिया भी दो प्रकार के मुझे मिले थे, दोनों प्रकार के सीड देखिए मैंने इसमें डाल दिए और सभी पे मैंने स्टिकर लगा दिए थे कि कौन से कलर की सीड इसमें जर्मिनेट होंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर भी इस तरह से स्प्रिंकल करके ऊपर से कोकोपीट डाल दिया है। ये देखिए मैं 8 से 10 तरह की सीड हैं ये मुझे लगा रही हूँ। तो इसमें मैं कोकोपीट डाल दूँगी ऊपर से। काफ़ी आसान होता है सीडों को लगाना, फिर थोड़ा सा केयर करनी होती है सीड का, थोड़ा सा इसका सेमी साइड एरिया हमें ध्यान में रखना होता है और टाइम पर वाटर देना होता है। अगले हमारे सीड ये हैं जो बहुत बारीक थे, उनको भी मैंने इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया था इसके ऊपर। ये शायद एंथेनियम के सीड थे जो मल्टी कलर में जो लीव्स निकलते हैं उसके, हाँ वही सीड मैंने इसमें लगाए हैं। और ये अगला हमारा है जो कॉस्मोस के सीड मैंने इसमें लगाए हैं। कॉस्मोस में दो तरह के मुझे मिले थे तो दोनों तरह के सीड मैंने कॉस्मोस को अलग अलग लगा दिया है। एक हमारा येलो कलर का था और एक मल्टी कलर में था, मिक्स कलर में था, मल्टी कलर के जो फ्लावर है मिक्स में वही था। और इसके बाद में जो हमारा बचता है जिनिया के सीड बचे हैं वो भी लगाने हैं मुझे। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया था ऊपर से। और हमारे जो कॉस्मोस की सीड हैं वो भी देखिए मैं भी लगा रही हूँ। ये है कॉस्मोस, तो ये कॉस्मोस मैंने इसमें स्प्रिंकल करके लगा दिया था।